Hello and welcome guys, welcome to Woken Creation. So guys, in this video we will be discuss about how to create a amazing navigation bar using HTML and CSS. So let's start. So firstly हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन करते हैं एंड देन इस फाइल को सेव करते हैं कंट्रोल एफ करके और इसका मैं नाम दे देता हूँ index.html. एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड हमारा HTML का होता है उसको मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ. तो ये हमारा कोड राइट हो गया है. इसमें मैं टाइटल दे देता हूँ क्योंकि हम नया बार डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं नया बार. एंड देन एक और मैं फाइल ओपन करता हूँ, न्यू फाइल. तो कंट्रोल एन करके मैंने न्यू फाइल ओपन की और कंट्रोल एफ से इसको सेव करता हूँ और इसको सेव करता हूँ style.css एक्सटेंशन के साथ. एंड देन जो हमारा HTML का कोड होगा उसको हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं बॉडी टैग के अंदर. तो जब हम नया बार डिज़ाइन करने वाले हैं तो इसके लिए हम UL टैग का यूज करेंगे और UL टैग का यूज किया. इसके बाद हम LI टैग लेंगे और LI टैग के अंदर एंकर टैग लेंगे. एंकर टैग में HREF और HREF के अंदर यहाँ पे हैश दे देंगे और इसके बाद होम ले लेते हैं और इसी को मैं यहाँ पर 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको. तो मैंने यहाँ पे इसको 5 टाइम्स कॉपी किया, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ 5 टाइम्स. पहले मैं स्पेस यहाँ पे बना लेता हूँ एंड देन इसको मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स कॉपी किया और मैंने यहाँ पे होम दिया है. अब यहाँ पे दे देता हूँ अबाउट F और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट F और कॉन्टैक्ट F और यहाँ पे हम दे देते हैं सर्विसेज. एंड देन यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्ट का सिंबल देंगे लोगो. तो हम इसके लिए जाते हैं क्रोम ब्राउज़र में. तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ अपना और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा फॉन्ट अवैश और फॉन्ट अवैश हमने टाइप किया और यहाँ पे फॉन्ट अवैश माइकन. तो फॉन्ट अवैश माइकन हमको बहुत अच्छे आइकन प्रोवाइड करता है. तो मैं यहाँ पे एक लिंक और ओपन करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉन्ट अवैफ फीडियन. तो हमको यहाँ पे फॉन्ट अवैफ फीडियन मिल जाएगी यहाँ पे. तो मैंने फर्स्ट लिंक जो ओपन हुआ उसको क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे ये जो लिंक आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे क्लिक करते ही ये कॉपी हो गया. तो इसको मैंने कॉपी किया एंड देन इसके बाद हम अपने हेड टैग के अंदर HTML पेज में हेड टैग के अंदर इसी लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल फीड HREF पे इसको यहाँ पे दे दिया और ये हमारा लिंक यहाँ पे हो गया. अब इसके बाद जो हमने CSS फाइल अपनी बनाई थी उसको यहाँ पे लिंक करवा देते हैं. तो लिंक REL स्टाइल फिट और टाइप हमारी CSS फाइल का क्या है, टेक्स्ट CSS HREF स्टाइल डॉट CSS. हमारी CSS फाइल भी लिंक हो चुकी है यहाँ पे और हमारी फॉन्ट अवैफ फीडियन जो थी वो भी लिंक हो चुकी है. अब इसके बाद जो हमने ये वाला लिंक ओपन किया था फॉन्ट अवैफ आइकन्स का, इसमें यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं. इन तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का आइकन यहाँ पे देखते हैं. तो प्रोफाइल, तो ये आइकन हम यहाँ पे लगा देंगे, ये यूजर प्रोफाइल का. तो इसमें हम क्लिक करते हैं यहाँ पे. इसके बाद ये यहाँ से हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया
और कॉपी। अब कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और ये जो हमने लास्ट में एलआई टैग लगाया था और एंकर टैग के अंदर, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जब हमने इतना कर लिया तो अब हम अपने प्रोग्राम को लाइव प्रीव्यू करवाते हैं। तो लाइव प्रीव्यू करवाते हूँ मैं अपने प्रोग्राम को। तो जब हमने अपने प्रोग्राम को लाइव प्रीव्यू करवाया तो अभी हमने ओनली बेसिक एचटीएमएल लिखी है, तो बेसिक एचटीएमएल की वजह से इतना ओनली फो हो रहा है। अब हम अपनी स्टाइलिंग करने वाले हैं, तो मैं इसको 5x5 ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 5x5 यहाँ पे ओपन किया। अब इसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे यहाँ पे। तो स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले यूएल टैग हम लेंगे यहाँ पे। तो यूएल टैग लेते हैं यहाँ पे हम। तो यूएल टैग लिया और यूएल टैग में हम देते हैं लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे नन कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन लेने वाले हैं। मार्जिन 0 ले लेते हैं और पैडिंग 0 ले लेते हैं। तो मार्जिन 0 की कर देते हैं और इसके बाद पैडिंग भी 0 कर देते हैं। और इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर और इसमें मैं दे देता हूँ H333। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। और इसमें हम ओवरफ्लो कर देते हैं कि अगर ओवरफ्लो कहीं से हो हमारा नया बार, तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का हम यूज किए दे रहे हैं यहाँ पे। तो ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो हम हिडन किए दे रहे हैं। तो ये हमारा इधर उधर कुछ नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा हमारा। इसके बाद हम एलआई टैग लेते हैं और एलआई टैग में हम वो फ्लॉट लेफ्ट कर देते हैं। या तो हमने फ्लॉट लेफ्ट कर दिया एलआई को, तो ये लेफ्ट में हो गया। अब इसके बाद एलआई टैग के अंदर एंकर टैग लेते हैं। अब इसमें हम डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो डिस्प्ले इसकी पहले हम ब्लॉक कर देते हैं। तो डिस्प्ले इसकी ब्लॉक की हमने, कलर इसका ऑरेंज कर देते हैं। अच्छा लग रहा है ऑरेंज कलर, तो हम ऑरेंज कलर का यहाँ पे यूज कर देते हैं। और इसके बाद टेस्ट लाइन सेंटर कर देते हैं हम। और पैडिंग दे देता हूँ इसमें मैं। तो पैडिंग कितनी दे दें, 15 पिक्सल और 18 पिक्सल। तो 15 और 18 की यहाँ पे हमने पैडिंग दे दी। टेफ्ट डेकोरेशन, ये जो नीचे लाइनिंग आ रही है यहाँ पे हमारे टेफ्ट में, तो टेफ्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। तो ये हमारी लाइनिंग यहाँ से हट गई। ये देखिए टेफ्ट डेकोरेशन जैसे हमने किया, नन किया, तो यहाँ से हमारी लाइनिंग हट गई। अब इसके बाद यहाँ पे हम एलआई ए हवर प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं। तो कि इसमें कोई हवर करेगा तो हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करवा देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इसमें क्या कर दें, डार्क किए दे रहे हैं, डार्क। या तो डार्क रेड किए कर दिया हमने। अब जैसे इसमें हमने हवर किया तो ये डार्क रेड कलर का फो हो रहा है यहाँ पे। और अब हम इसमें एक राइटी क्लाफ ले लेते हैं। तो डॉट राइटी क्लाफ ली और इसको फ्लॉट राइट कर देते हैं। अब हमको राइट में कौन सी चीज़ भेजनी है, जो चीज़ हमको राइट में भेजनी है उसी में हम ये राइटी क्लाफ का यूज करने वाले हैं। तो अपने एचटीएमएल पेज में आते हैं और क्या हम राइट में भेजना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट अफ को भेज देते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे हमने प्रोफाइल यूजर वाला ये जो सिंबल लिया है, इसको राइट भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम एलआई में कॉन्टैक्ट अफ वाले में क्लाफ दे देते हैं राइटी क्लाफ यहाँ पे दे दी। और इसके बाद इसमें हम दे रहे हैं क्लाफ राइटी, और इसके बाद हमने सेव किया इसको। तो ये दोनों यहाँ पे राइट में आ गए, ये देखिए। अब इसके बाद हमारा नया बार काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम एक चीज़ को एक्टिव करवा देते हैं कि उसका कलर थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे। तो लाइक हम होम को अगर करवा दें, तो होम में मैं एक क्लाफ डिफाइन करता हूँ, एक्टिव क्लाफ। तो क्लाफ एक्टिव, और एक्टिव कर दी मैंने यहाँ पे क्लाफ। इसके बाद सेव किया। इसके बाद स्टाइल में आए और स्टाइल में डॉट एक्टिव, और इसमें बैकग्राउंड कलर
इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ क्रिम्सन। ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर इसका मैंने क्रिम्सन कर दिया, तो ये हमारा काफ़ी अच्छा नया उबार लग रहा है। ये कलर मुझको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो इसकी जगह मैं कलर और चूज करता हूँ कोई अच्छा सा। तो कलर चूज करते हैं यहाँ पे हम, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा कोरल यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ कलर चूज करता हूँ, डार्क ऑरेंज नो, फिर हमारा टेस्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लाइट कोरल वाइट, ओके तो ये मुझको ठीक लग रहा है, तो मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं एलआई में कुछ फॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे मैंने 1.2 ईएम किया, तो ये थोड़ा फॉन्ट का साइज हमारा इंक्रीज हो गया। अब हमारा जो नया बार है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है डिजाइनिंग पे, और जिसमें हम हवर कर रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कलर भी हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा नया बार पूरा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सी यू टू नेक्स्ट टाइम।